नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 सीआरपीसी का सेक्शन 190 से सेक्शन 193 तक। ठीक है, तो शुरू करेंगे सेक्शन 190 के साथ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कॉग्निजेंस क्या होता है। कॉग्निजेंस यानी कि सीधी भाषा में अगर मैं बोलूं तो नोटिस करना या फिर नोन होना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर स्टूडेंट हो तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप क्या करते हो, सिलेबस को एक कॉग्निजेंस बोल सकते हो आपकी। यार कॉग्निजेंस किया क्या, नोटिस किया कि क्या है सिलेबस क्या है। ठीक है, अगर आप एक लॉयर हो तो केस के पहले आप फाइल क्या करते हो, कॉग्निजेंस। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि कोई भी केस आता है तो कोई भी जज क्या करता है, मैजिस्ट्रेट क्या करता है, कॉग्निजेंस लेता है कि यार क्या है क्या है क्या है। ठीक है, तो सेक्शन 190 क्या बात करता है। सेक्शन 190 बात करता है कोई भी JMFC या JMSC फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट किसी भी केस का कॉग्निजेंस ले सकता है। किसी भी केस का कॉग्निजेंस ले सकता है कब, तो सबसे पहले या तो जो जज है JMFC या JMSC जो जज है उसके पास कोई कंप्लेन आती है। ठीक है, उसके पास कोई कंप्लेन आती है तो सीधी सी बात है, कंप्लेन आई तो यार कॉग्निजेंस ले, क्या हुआ भाई। ठीक है, दूसरी चीज़ पुलिस रिपोर्ट आती है। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई पुलिस रिपोर्ट आती है। पहली चीज़ तो क्या हो गई, कंप्लेन आ गई, और दूसरी चीज़ क्या है, पुलिस रिपोर्ट आ गई। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है, और तीसरी चीज़ है कि यार कोई इन्फॉर्मेशन उसको मिली है पुलिस ऑफिसर के अलावा, कि पुलिस ऑफिसर ने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, किसी और इंसान ने दी है उसको वो इन्फॉर्मेशन, या फिर उसको खुद पता चल गई हो। जैसे कि मान के चलो कि यार एक जज है जो कि मिर्ज़ापुर में रहता है, अब वो मिर्ज़ापुर में रहता है, पुलिस ऑफिसर ने उसको आके नहीं बताया लेकिन किसी और आदमी ने आके बताया कि यार इस यार यहाँ खून हो गया सर, या फिर उसको खुद पता चल गया कि यार यहाँ पर खून हो गया, हाँ मैंने आवाज़ सुनी थी, खून भी हो गया, मेरे को पता चला खून हो गया। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों पर जो जज है वो कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, अब इसका सबसेक्शन 2 क्या बात करता है। अब सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि जो CJM होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है, वो किसी भी सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर सकता है। एम्पावर क्या कर सकता है कि यार ये आप कॉग्निजेंस लो, मतलब कि किसी भी सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को CJM कॉग्निजेंस दे सकता है कि यार ये केस है आप ये देख लो, अगर उसके कॉम्पिटेंसी में है तो वो देख सकता है, तो ये रहा केस, ये देख लो आप, तो ऐसा CJM कर सकता है। बात करें सेक्शन 191 की, वो बात करता है कि ट्रांसफ़र हो सकता है केस किसी एक मजिस्ट्रेट से। कैसे कि यार एक केस है कि एक मजिस्ट्रेट है जिसने कॉग्निजेंस लिया किसी भी केस का, कौन से उसमें, सी वाले उसमें। अभी हमने सेक्शन 190 डिस्कस किया, उसमें सेक्शन 1 का सी वाला क्या बात कर रहा था कि यार किसी भी मजिस्ट्रेट को पता चला, पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी और आदमी ने उसको बताया, उसको खुद पता चला कि यार ऐसा कुछ क्राइम कमिट हो गया। ठीक है, उस वाले केस में मजिस्ट्रेट ने किसी केस का कॉग्निजेंस ले लिया। अब कोई भी एविडेंस कलेक्ट होने से पहले आप सबसे पहले जो एक्यूज्ड है उसको आप एक नोटिस भेजोगे। जो मजिस्ट्रेट है, जो कोर्ट है, वो सबसे पहले नोटिस भेजेगी और वो क्या बोलेगी कि आप सर आप एंटाइटल्ड हो मजिस्ट्रेट चेंज, कि यार आपका जो केस है इसका कॉग्निजेंस ये मजिस्ट्रेट के पास है, आप चाहो तो आप मजिस्ट्रेट चेंज करवा सकते हो। ये पहले बताएगी। अब ये किसके हाथ में, ये एक्यूज्ड के हाथ में, अगर वो चाहे तो मजिस्ट्रेट चेंज करवा भी सकता है। ठीक है, वो बोल सकता है कि नहीं मुझे मजिस्ट्रेट चेंज करो। अब मजिस्ट्रेट कौन चेंज करेगा, CJM चेंज करेगा, CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट चेंज करेगा। उसने बोल तो दिया कि यार आप करवा दो चेंज, अब चेंज करने का काम किसका, CJM का। अब CJM के हाथ में कि वो किसी भी मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस दे दे उस केस का। बात करें सेक्शन 192 की, अब ये बात करता है कि केसेस भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। सब सेक्शन 1 क्या बात करता है इसका कि CJM अगर चाहे तो सबसे पहले तो कॉग्निजेंस लेगा वो किसी की, यार ये केस बोलता क्या है, तो सबसे पहले CJM ने कॉग्निजेंस ले लिया, नॉलेज ले लिया कि क्या क्या है इस केस में। अब वो CJM चाहे तो वो केस किसी भी मजिस्ट्रेट के हाथ में दे सकता है, किसी भी मजिस्ट्रेट को दे सकता है जो उसके सबऑर्डिनेट हो। सीधी सी बात है,
अब यार है सीजेएम वो मिर्ज़ापुर का, अब वो बोल रहा है कि बम्बई वाले उसमें कि यार लो तुम ले लो, ऐसा थोड़ी होगा। मिर्ज़ापुर का जो सीजेएम है वो मिर्ज़ापुर के किसी सीजे मजिस्ट्रेट को वो केस दे सकता है, ये तो सबसेक्शन वन ने बोल दिया। अब सबसेक्शन टू क्या बोलता है कि अगर सीजेएम को खुद नहीं करना ये, तो सीजेएम क्या करता है, सीजेएम किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर देता है। क्या किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को सीजेएम एम्पावर कर देता है कि ये रहा केस, अब ये आप चाहो किसी भी मजिस्ट्रेट को आप दे दो। क्यों, अब वो क्यों दे सकता है, क्योंकि सीजेएम ने एम्पावर किया उसको ये, अब ये क्योंकि अब सीजेएम को नहीं करना, तो सीजेएम ने मजिस्ट्रेट को पावर दे दी कि अब आप चाहो, अब आप किसी भी जो भी आपको लगता है ये मजिस्ट्रेट को देना चाहिए तो आप ये उसको दे दो। आप बात करें सेक्शन 193 की, जो कि बात करता है सेशन जज का क्या कॉग्निजेंस होगा, सेशन कोर्ट का क्या कॉग्निजेंस होगा, तो कोई भी कॉग्निजेंस नहीं होता सेशन कोर्ट का, कब तक, जब तक मजिस्ट्रेट खुद नहीं दे देता कोई केस। मजिस्ट्रेट देता है केस सेशन कोर्ट को, ठीक है, उसका कोई खुद कुछ नहीं होता, मजिस्ट्रेट चाहे तो वो दे सकता है कोई केस, तो उसके ऊपर उसका कॉग्निजेंस हो जाएगा। 194 बात करता है एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज के कॉग्निजेंस की, ठीक है, तो इनका क्या कॉग्निजेंस होगा, तो इनका मतलब क्या, किस तरीके से ये लोग केस ट्रायल ट्राइड करेंगे। तो सबसे पहले तो जो सेशन जज है वो स्पेशल या नॉर्मल ऑर्डर से बोल सकता है, सेशन जज सेशन कोर्ट बोल सकता है स्पेशल या नॉर्मल ऑर्डर से बोल सकता है ये आप ये वाला केस कर लो। हाई कोर्ट स्पेशल ऑर्डर से बोल सकता है इन दोनों एडिशनल असिस्टेंट दोनों को स्पेशल ऑर्डर से बोल सकता है ये केस है ये कर लो ऐसा। तो सेक्शन 194, तो ये था हमारा 190 से 194। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।